हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। युवाओं को चाहिए कि अगर जीवन में सक्सेस होना है, कामयाब होना है या जीवन में कुछ बेहतर करना है तो कुछ चीजों का ख्याल जरूर अपने जीवन में करें। सबसे पहले कि नशे से बचें, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ जो एक माहौल बना हुआ है और एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कुछ गंदे प्रवृत्ति के लोगों को जो नशे के साथ धंधा कर रहे हैं, नशे से पैसा अर्जित कर रहे हैं और बच्चों को जो है वो एक दलदल में घसीट रहे हैं, तो इसका जो सबसे बढ़िया निवारण है वो यही है कि बच्चों को अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप में सक्षम होना पड़ेगा और अपने बुद्धि विवेक के ऊपर काम करना पड़ेगा और बड़ी मजबूती के साथ जो है वो अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। दूसरा, जीवन में व्यवस्थित बने, अपने जीवन में कुछ अनुशासन लेके आए, एक टारगेट लेके आए और जब भी कोई जीवन में बेहतर कुछ सोचे तो कभी भी खुद को अंडरएस्टिमेट ना करें, अपनी फीलिंग को अंडरएस्टिमेट ना करें, अपनी सोच को अंडरएस्टिमेट ना करें। जो आप सोचें उसको प्रैक्टिकल रूप देने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप बात माने कि जो विचार आपके अंदर आ रहा है, जो सोच आपके अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो अपने थॉट्स को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें कि ये थॉट मेरे अंदर आया, उसके अंदर नहीं आया, तो उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, खुद के ऊपर विश्वास करें, जो विचार आपके अंदर आए उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और तीसरा जो मंत्र है वो ये है कि कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। जो भी काम आपको आता है, जो स्किल आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो खूबी आपके अंदर है, उसको पहचानो और उसको प्रैक्टिकल रूप दो और अपने जीवन को बेहतर करो, अपने कल को बेहतर करो, अपने परिवार को खुशहाल करो, अपने जीवन को खुशहाल करो और किसी भी तरह के दबाव से, किसी भी तरह के टेंशन से, किसी भी तरह के शोषण से अपने आप को बचाओ। जब जब बुराइयां आपके ऊपर हैवी होंगी, जब जब आप अच्छाई से दूर जाएंगे, जब जब आप खुद को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा।